नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे घर में जो बुज़ुर्ग माता पिता या दादा दादी, उनकी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं, इस पर मैं कुछ योग के आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे और कुछ योग की मुद्राओं के बारे में। योग मुद्राएं बड़ी ही इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत सरल है। देखिए, कोरोना महामारी में जो डेथ रेट है, वो जो सीनियर सिटीजन है, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उन पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और पूरे विश्व में, कई सारी ऐसी कंट्रीज़ में तो देखा गया है कि जो यंग है वहाँ 0% मॉर्टलिटी रेट रहा है, और या 0.1% रहा है, लेकिन जो ओल्ड एज के लोग थे उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है। तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज ज़्यादा है, वो ऐसा क्या करें योग में जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े, इस पर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसका अपने जीवन में अनुसरण करें, तो आप पाएंगे कोरोना महामारी से मुक्ति और किसी भी संक्रमण से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके बचाव के लिए। सबसे पहले हम दो प्राणायाम की बात करेंगे, केवल दो प्राणायाम। आप अगर इन दोनों प्राणायामों को प्रतिदिन करते हैं तो आप देखते हैं कि आप दिन प्रतिदिन फिट होते जाते हैं, अपने स्वास्थ्य में बड़ा चेंज पाते हैं। तो कौन से प्राणायाम है? पहला प्राणायाम है मृदुभस्त्रिका। मृदुभस्त्रिका इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी रोग में कर सकता है। तो आप देखें, मृदुभस्त्रिका मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। श्वास लेना है, दोनों नोस्टल से गहरा श्वास अपने लंग्स में, अपने डायफ्राम तक श्वास को जितना भर सकते हैं आपको भरना है, और धीरे धीरे उसी फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है पूरा, इस प्रकार से। पूरा लंग्स में श्वास को भरना है, छोड़ना, इसको रोकना नहीं है, श्वास को आपको केवल भरना है, छोड़ना है। अब इसे मृदुभस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ये आप कम से कम 7 मिनट से 11 मिनट तक करें। धीरे धीरे, थोड़ा आराम से, धैर्य से इसको करना प्रारंभ करें। और इस प्राणायाम को करते हुए आप मूलबंध का जरूर प्रयोग करें। मूलबंध हमारा जो एनस भाग है, मूत्र नलियां, उनको ऊपर की ओर संकुचित करके रखें। उसको बार बार, यदि वो छूटता है तो आप बार बार लगाएं। थोड़ा अभ्यास होगा, आप दिन प्रतिदिन जैसे अभ्यास प्रैक्टिस करते जाएंगे। डीप ब्रीदिंग करें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, इस प्रकार से इसको करना है। ये 7 से 11 मिनट आपको हर रोज करना है। सुबह आप जब उठते हैं, फ्रेश होने के बाद आप बैठ जाएं शांति से, थोड़ा एयर फ्रेश हो, खुली ऑक्सीजन में आप इसको करें। दूसरा प्राणायाम आपको करना है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। ये महर्षि पतंजलि का बहुत ही फेवरेट प्राणायाम रहा है। महर्षि पतंजलि जो योग के साइंटिस्ट हैं, जो योग के प्रणेता, उन्होंने इसको बहुत ही पसंद किया, इस प्राणायाम को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। ये करना कैसे है? श्वास को एक बार अंदर लेना है, बाहर छोड़ा श्वास, बाहर ही रोका, और तीनों बंद लगाए। पहला जालंधर बंद, गर्दन को नीचे की ओर झुकाया। दूसरा उद्यान बंद, पेट को अंदर की ओर खींचा। तीसरा मूल बंद, एनएस भाग को ऊपर की ओर संकुचित किया, जो आपने अभी पहले वाले प्राणायाम में भी किया था। तो तीनों बंद के साथ आपको श्वास को रोकना है यथाशक्ति। इसमें देखिए, कोई नियम नहीं है कि आपको कितना समय रोकना है। आपको, आप 5 सेकंड रोक सकें, आप 3 सेकंड रोक सकें, या 10 सेकंड रोक सकें, जितना भी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही इसको रोकें। आपको श्वास को लेना है, फिर से श्वास को बाहर छोड़ना है, बाहर ही रोकें श्वास, तीनों बंद लगाएं। पहला जालंधर बंद, गर्दन को नीचे झुकाना, दूसरा उद्यान बंद, तीसरा मूल बंद। तो ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके अंगों में पुष्टता आ जाती है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम करने लगता है, आपकी जठराग्नि बढ़ती है, भोजन जो भी आप करते हैं उसका ठीक से पाचन होता है। मूलबंध का अभ्यास करने से आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको एक
मूवमेंट मिलता है ऊपर की ओर, वो गति करते हैं, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है आपकी शरीर की शक्ति। और जब आप जालंधर बंद लगाते हैं तो आपका जो गले का भाग है उसमें जो हमारी टॉन्सिल है, थायरॉयड ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड पर भी इसका इफेक्ट आता है। जब हम बंद लगाते हैं तो आपकी थाइमस ग्लैंड भी एक्टिव होती है, जो मुख्य रूप से टी सेल्स का संग्रह करते हैं। टी सेल्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को जो फाइट करती है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी जो रहती है वो टी सेल्स में रहती है, जिनको WBC सेल्स भी कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है, कोई भी संक्रमण यदि हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो उसको वो फाइट करती है। तो टी सेल्स जो है आपकी इससे हेल्दी होती है, उनका निर्माण ठीक से होने लगता है। तो ये दो प्राणायाम आपको करने हैं। अब जो बाह्यवृत्ति प्राणायाम मैंने बताया, ये आपको कितनी बार करना है, इसको 7 से 11 बार ही आप करें। ऐसा 7 बार से प्रारंभ करें, 11 बार तक आप इसको करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने पर इसको आप कर सकते हैं। योग का उम्र से ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता, योग का आपके प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। योग की अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो 90+ उम्र में भी व्यक्ति शीर्षासन करते हैं। तो आप अपनी बॉडी की क्षमता से ही प्रारंभ करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। तो ये तो दो प्राणायाम मैंने बताया आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जो कोरोना संक्रमण से आपको बचाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे मुद्राओं पर। मुद्राएं बहुत इफेक्टिव होती हैं। मुद्राओं में आप अगर बात करते हैं तो हृदय मुद्रा का आप अभ्यास करेंगे। हृदय मुद्रा कैसे है, आप अपने फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करें और बाकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे से टच कर दें। छोटी उंगली को, कनिष्ठ उंगली को आप सीधा रखें, ये आपकी बन जाती है हृदय मुद्रा। तो इस प्रकार से आप दोनों हाथों में इस मुद्रा को लगाएं और दिन में कभी भी खाना खाने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे गैप होना चाहिए, उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट कभी भी कर सकते हैं। और कम से कम 21 मिनट तक आप इन मुद्राओं का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैं 3 ऐसी मुद्राएं बताऊंगा जिनको करके आप अपने स्वास्थ्य को फिट कर रख सकते हैं। तो हृदय मुद्रा आप ज़रूर लगाएं। जो है 40 साल के बाद के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, जो मैं आज आपको अभ्यास बता रहा हूँ। ये उन सभी व्यक्तियों को करने चाहिए जो आफ्टर 40 ईयर्स ओल्ड है। तो हृदय मुद्रा। दूसरी मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में आप अपने जो छोटी उंगली है इसको अंगूठे के टिप पॉइंट से टच करें और बाकी 3 उंगलियां सीधी इस प्रकार से, या वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा का क्या काम है, वरुण मुद्रा आपकी बॉडी में जो जल का स्तर है उसको संतुलन करती है, ब्लड के अंदर जितने विकार आ जाते हैं उनको बाहर निकालती है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करती है। तो हृदय मुद्रा और वरुण मुद्रा, ये दोनों ही बहुत ही लाभकारी मुद्रा है, इनका दोनों का अभ्यास करना चाहिए। वरुण मुद्रा आपकी बॉडी में जल के संतुलन को जो है स्थिर रखती है, उसको बैलेंस बनाए रखती है, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहती है। जैसे उम्र बढ़ती है तो आपकी स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं, आपकी स्किन में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, ब्लड विकारित होने लगता है। तो वरुण मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। हृदय मुद्रा जब आप करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, हार्ट का पूरा सिस्टम ठीक होगा। तो अंगों तक जब ब्लड पहुँचेगा, ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो आपके शरीर के अंग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तीसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा अपनी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करें और ऊपर से अंगूठे को से टच कर दें, तो ये बाकी 3 उंगलियां सीधी, ये आपकी वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा भी आप करें। वायु मुद्रा से आपकी जो गैस है, जितनी जो वात विकृतियां हैं, उनमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपकी बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस है, घुटनों में पेन है, बॉडी में कमर में पेन रहता है, शरीर में पेन है, नाड़ियों में जो है संकीर्णता आ जाती है, सिकुड़ जाती है नाड़ियाँ, तो आप वायु मुद्रा 21 मिनट कम से कम दिन में कभी भी कर सकते हैं आप, सुबह शाम दोपहर कभी भी, बस भोजन के थोड़ा अंतराल पे करें इसको, लगभग 2 से 2.5 घंटे का अंतराल रखें, भोजन का गैप रखें। तो ये 3 मुद्राओं को यदि आप करते हैं, तो मुद्राएं तो बहुत सारी हैं लेकिन जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाती हैं, वो मुद्राएं मैं आपको 3 बता रहा हूँ। अब आपको करना है एक्यूप्रेशर। बैठे बैठे आप घर पर कर सकते हैं आराम से। एक्यूप्रेशर में आपको क्या करना है, आपकी जो आप अपने एल्बो, हाथ को सीधा करेंगे, आपकी जो एल्बो है, एल्बो से आप अपने दूसरे हाथ की ये फिंगर्स को इस प्रकार से रखें। तो रखने के बाद जो ये यहाँ से फिर आप दूसरा हाथ
एक बार और ऐसे रखें, तो ये जो पार्ट है आपका, इसको आपको प्रेस करना है। आप अपने हाथ से कर सकते हैं, आप कोई पेन लेके उसको ऐसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से इस हाथ में ये आपने यहाँ रखा, ये यहाँ किया, तो इस पार्ट को आपको प्रेस करना है पूरा। तो ये हमारे शरीर में जो एनर्जी बढ़ाने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो नाड़ियाँ हैं, उनको हम यहाँ प्रेस करते हैं। तो इससे आपकी जो नाड़ियाँ हैं वो सही से काम करती हैं, बॉडी में एनर्जी फ्लो ठीक होने लगता है। देखिए बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा आपके अंगों में शिथिलता आना, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन वीक पड़ जाना, आपके एनर्जी लेवल कम हो जाना, यही तो बुढ़ापा है। तो ये जो मैं आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए, इनको आप प्रेस करें, जो है यहाँ से इस प्रकार से इसको, इस पॉइंट को प्रेस करें एल्बो और रिस्ट के बीच में। तो आप 2 से 3 मिनट इसको आराम से घर्षण करें, फ्रिक्शन किसी पेन के द्वारा, या आप यहाँ ऐसे ऐसे इसको प्रेस करें कम से कम 40-50 बार। तो दिन में 1-2 बार कर लीजिए आप बैठकर। तो ये सब आपके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास मैंने बताए। साथ में आप अपने आहार का ध्यान रखें, आहार आप हल्का आहार करें, सुपाच्य आहार करें, समय से भोजन करें, और पानी की मात्रा आप पीते रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी को आपको पीना चाहिए। फल सब्जियों के जूस आप पी सकते हैं। इस पर हम कुछ अलग से आपको वीडियो बताएंगे, जो आपके प्रॉपर एक डाइट कैसी होनी चाहिए। तो अभी आप इस वीडियो के माध्यम से इतना ही समझें कि आप सुपाच्य भोजन करें, हल्का भोजन करें, जो आपको आसानी से पच सके, जो आपकी बॉडी में विकार उत्पन्न ना करें। आपको कोई भी सवाल हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे हों जो आप पूछना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आप दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज हो हेल्थ से संबंधित, आप संपर्क कर सकते हैं। बस आप लोग इन अभ्यासों को करें और स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और इस कोरोना महामारी में अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। इम्यूनिटी को बढ़ाकर ही इसका एक उपाय है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।